हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बना रहे हैं तवा मसाला कुलचा, जो हम प्लेन भी बनाएंगे और आलू के फिलिंग का भी बनाएंगे। सो सबसे पहले हम आलू की फिलिंग को ही रेडी कर रहे हैं, जो हमने आलू को बॉईल करके उबाल लिया है। उसके बाद हमने इसे मैश किया है, उसके बाद हमने मसाले डाले हैं उसके अंदर। सो सारे मसाले डालकर उसे एक अच्छा सा मिक्स देंगे हम, और फिर उसे साइड में रख देंगे। फिर हम कुलचा की तैयारी करेंगे। तो ये मसाला जो हम बनाते हैं, वो आप चाहें तो पूड़ी में भी यूज़ कर सकते हो, अगर आलू की पूड़ी बनाते हो तो उसमें भी, और ऐसे कुलचा में भी आप यूज़ कर सकते हो। मसाला बहुत टेस्टी लगता है। अब आप देख रहे हैं, मैं स्पून को छोड़ के हाथ से मिला रही हूँ। हाथ से मिक्स करने की एक अलग ही टेक्निक होती है, जो आप अच्छे से पूरे आलू में एब्जॉर्ब करवा सकते हो, जो चम्मच से पॉसिबल नहीं है। सो मेरा फिलिंग रेडी है आलू का। अब मैं जाती हूँ और डो लगाती हूँ मैदे का, हमारे कुलचे का डो। सो मैंने मैदा लिया है, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ बटर, फिर मैंने डाला है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, दोनों ही हम यूज़ करेंगे, जो हमारे कुलचे को राइज होने में हेल्प देंगे अच्छा। और उसके बाद इसके साथ दही डाला है मैंने। तो मैंने मैदा यहाँ पे 4 कप लिया है, और बटर मैंने अराउंड 6 टेबल स्पून लिए हैं। फिर मैंने दही डाला, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर आप 1-1 टीस्पून लें, सो एनफ है उतना। अभी हम इसका डो बनाएंगे। अच्छे से इसको देखिए, मैं नीड कर रही हूँ अब, और दही आप 2-3 टेबल स्पून एनफ है, उतना ले सकते हो। अभी देखिए, अब हमारा डो बन के रेडी है। तो अब हम इसे अच्छे से हाथों से मैश करेंगे, ताकि जो हमारे बाद में कुलचा बने वो सॉफ्ट बने। तो उसके लिए ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। जब आप डो बना लेते हो, उसके बाद कम से कम 5 मिनट आपको अच्छे से उसे मैशिंग देनी है। ये हमारा मैश होके रेडी है। अब हम इसे एक गीले कपड़े में रैप करके रख देंगे। कोई भी आपके पास कॉटन कपड़ा हो या मलमल का हो, उसमें आप रैप करके इसे रख सकते हैं। सो आप देख सकते हो कि मेरा डो कितना सॉफ्ट हो गया है और राइज भी कर गया है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, एकदम आराम से आप इसका बना सकते हो लोई। अभी मैंने इसे बेलना शुरू किया है। अभी सबसे पहले मैं मसाले का बनाऊंगी। सो अभी मैं इसमें आलू का फिलिंग डालूंगी, मैंने इतना इसे बेल लिया है। अब हम इसमें आलू की फिलिंग डालेंगे। ये देखिए, मैंने आलू की फिलिंग ली है। अब हम इसे अच्छे से फोल्ड करके, रैप करके हमारा एक लोई बना लेंगे। और अब आप जब भी कुलचा बेलें, तो नीचे हमेशा ऑयल लगाकर ही बेलें, ताकि ये चिपके नहीं। अभी देखिए, मेरा चिपक नहीं रहा है। मैदा लगाकर ना बेलें, क्योंकि अगर आप मैदा लगा के बेलोगे, तो जब हम इसे कुलचा को जब हम सेकते हैं तवे पे, तो फिर वो मैदा आपका नीचे उतर के तवे में आने लगेगा, तो आपका कुलचा अच्छा नहीं बैठेगा। नीचे फिर वो मैदा चिपकने लग जाएगा। सो ऊपर मैंने काला तिल और कोरिएंडर, जो हमारी लीव्स होती हैं, धनिया पत्ता, उसको चॉप करके डाला है। फिर ज़रा सा मैंने बेलन से 1-2 राउंड फेरा है। अब हम नीचे इसमें पानी लगा देंगे, ताकि जब हम तवे पे इसे रखें, तो जो हमारे तवे का हमारा जो तापमान है, अगर ज़्यादा गर्म है तो वो मीडियम हो जाएगा, और आपका कुलचा जो है वो अच्छे से सिकेगा। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम ये स्टेप करते हैं तवे के। तो अभी आप देख सकते हो, इतना सिक चुका है। अब मैं इसे पलट दूंगी।
मैंने जब ये बनाया घर पे तो सबको बहुत अच्छा लगा, सबने कहा कि एकदम बाहर जैसा टेस्ट आ रहा है। सो आप भी ज़रूर ट्राई करें। मैंने इसके पहले अमृतसरी छोले की भी रेसिपी डाली है जो कि मैंने इसके साथ ही बनाया था। सो बहुत अच्छा लगता है अमृतसरी छोले और ये वाले मसाला कुलचा बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में। सो इसे हमने अच्छे से सीख लिया है। सो तवे कुलचा का भी टेस्ट वैसा ही आता है, टेस्ट में आपको कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा कि अच्छा नहीं लग रहा है या नॉर्मल लग रहा है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका भी। और अगर आप घर पे बना रहे हैं तो आप यही सोच के बनाते हैं कि भाई हम कुछ हेल्दी खाएं, कुछ हेल्दी चीज़ करें, तो इसके साथ भी मैंने वही किया है कि कुछ हेल्दी के हिसाब से खाएं। तो ये हमारा कुलचा रेडी है और इसमें मैंने बटर यूज़ नहीं करके मैंने घर का घी ही यूज़ किया है। घर का घी से भी आप बहुत अच्छा से कोटिंग दे सकते हो, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने प्लेन हमारा जो कुलचा है वो बनाया है, इसमें मसाला नहीं है। इसमें भी बेल के इसके ऊपर काला तेल और चॉप्ड हमारा धनिया है वो डाला है। इसे भी हम सेकेंगे उसी प्रोसेस से। अभी हम इसे उठाकर अच्छे से धीमे हाथों से उठा के धीरे धीरे इसमें पानी का लगाएं, ज़्यादा पानी ना लगाएं कि भाई आपका गिल्ला हो जाए आटा, वो चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम फिर से डालेंगे ताकि हमारा जो तवा है उसका टेम्परेचर है वो स्टेबल हो जाए। फिर हम लेड लगा देंगे और अब आप देखोगे धीरे 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 हमारा जो कुलचा है वो फूलने लगता है, राइस होने लगता है। सो वो सिक रहा है अच्छे से, उसके बाद हम इसे फिर पलटेंगे जब ये नीचे से सिक जाएगा। तो हम लेड निकाल लेंगे। लेड निकालने के बाद ये देखिए मेरा कुलचा फूल गया है। अच्छा, कुलचे का डो जब भी बनाते हैं तो उसे कम से कम आपको 1 आवर तो रखना ही है, तभी वो अच्छा राइज होता है। आप इसे इंस्टेंट नहीं बना सकते हो तो कभी भी इसे इंस्टेंट वाला चीज़ ट्राई ना करें। कुलचा हमेशा आप डो को रख के रखें, वो राइज होने दें। तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी देखिए ये हमारा दोनों तरफ से सिक गया है। अब हम इसे गैस पे सेकेंगे सेम उसी प्रोसेस से। गैस की जो फ्लेम है उसका ध्यान हमेशा रखें, फ्लेम ज़्यादा ना हो आपकी, मीडियम टू लो फ्लेम में ही आप इसे सेकें। और ऐसा नहीं है कि आपका कुलचा जो होगा स्टिफ बन जाएगा, नरम नहीं बनेगा, ये नरम ही बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा घर पे और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका। अभी मैं ये घर का घी ले रही हूँ, सो मैं वही यूज़ कर रही हूँ, उसे ही मैंने लगाया है। मैं बटर थोड़ा कम प्रेफर कर रही हूँ उस चीज़ में। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये एकदम सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा हमारा कुलचा बैठा। सो हम रेडी हैं हमारे छोले और कुलचे के साथ। सो आप भी खाएं और अपने परिवार वालों को भी खिलाएं, एंजॉय करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।